हाँ तो बस वालेकुम, क्या आप सब लोग का मुझे उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बड़े खुश होंगे। तो आज हम फिर एक नया फूड ब्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम आए हैं बंस रोड अब्दुल्ला भाई के पास। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें खिलाने के लिए, तो चलें देखते हैं क्या ले आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत हैं? आप दुकान के बारे में सर, दुकान के बारे में मैं कहता हूँ कि मुझे खुद बताना ही चाहिए, कस्टमर बताएगा। माशाल्लाह आप क्राउड देख लें तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि चीज़ क्या है। और आपके सामने खुले हाइजेनिक फूड से अल्हम्दुलिल्लाह, ओवरऑल घर की बनी हुई सॉसेस हैं, मायो होममेड है, बाकी हर हाइजेनिक फूड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइजेनिक केचप हो गई है, हाइजेनिक सॉस हो गई है, हाइजेनिक ये की वगैरह की आपके सामने सारी, मतलब ओवरऑल अच्छा, सब कुछ अच्छा आइटम रखा हुआ है। आपको हमारे पास जो नॉर्मल जिंगर बर्गर जो मार्केट में 350 का मिल रहा है, हमारे पास इजीली आप 250 में कर सकते हैं, इजीली परचेज, और आप खाएंगे इंशाल्लाह, आप दोबारा लाजमी आएंगे। और हमारे पास जो 350 का जो आपको मार्केट में मिल रहा है, वो हम आपको देंगे डबल पेटी जम्बो साइज़ का बर्गर, जिंगर बर्गर। जब आप देखेंगे तो आप पहले आपकी आँखें खाएँगी, फिर आप आपकी आँखें देखेंगी तो बोलेंगे यार ये चीज़ चाहिए है, ये खाने के जाना है, तो आप इंशाल्लाह लाजमी ट्राई करेंगे। फिर आप जब मुंह से खाएंगे तो फिर आपके मुंह से ऑटोमेटिकली माशाल्लाह अदा होगा। तो भाई आपकी स्पेशलिटी क्या है यहाँ पे फूड कार्ट पे? सर मेरी स्पेशलिटी जो है वो है मेरी पिज़्ज़ा फ्राइज। मैंने हर चीज़ खाई हुई है, पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी खाई हुई है, उनकी बहुत अच्छी होती है, और हमने रोज़ फ्राइज़ खाते हैं अब्दुल्ला भाई की, जो कि बहुत अच्छी होती हैं, और हम कभी कभार तो हमें बर्गर भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए हम रोज़ बर्गर खाते हैं अब्दुल्ला भाई के। भाई अब्दुल्ला भाई के हमने चिप्स खाए हैं, जिंगर बर्गर खाए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा। आप भी आ जाएँ और अपने दोस्तों को भी ले आएँ, बहुत शुक्रिया दादा। चिप्स बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के, बर्गर भी अब बहुत अच्छा होता है, मतलब टेस्ट में जो बात सारी बात टेस्टी होती है, इसलिए यहाँ पे आपको ग्राउंड। ये हमारा चीज़ फ्राइज हो गया रेडी, आप इसकी कंडीशन देखें, चीज़ किस तरह आराम से उसके अंदर पूरी फैल चुकी है। अब इस पर फाइनल कोटिंग जो आएगी वो आएगी हल्की सी ना होने के बराबर मायो, ताकि इतना सॉसी भी ना हो कि कस्टमर को बुरा लगे। उसके बाद हम हल्का सा टच होने के लिए इसके अंदर हमारी रेड चिली मौजूद है, तो हम इस पर हल्की सी डालते हैं एज अ डिस्प्ले ना। ये हमारा पिज़्ज़ा फ्राइज 150 की कॉस्ट है इसकी, आपके तैयार है। हाँ तो भाई वी हैव आवर जिंगर बर्गर, अब्दुल्ला भाई ने हमारे लिए स्पेशल जिंगर बर्गर बनाया है, तो हमारे पास जिंगर बर्गर यहाँ पे आ चुका है, तो नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई इट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गोटी बिल्कुल टेंडर है, गोटी जूसी है, इसके साथ जो अब्दुल्ला भाई ने जो स्पाइसेस डाले ना, स्पाइसेस का तो भाई एक अलग से गेम है। बर्गर वाकई बहुत मज़े का है, चिकन टेंडर है, इसके जो सॉसेस हैं सॉसेस भाई एक अलग से मतलब जिंगर बर्गर में सॉसेस एक अलग से अपना लेवल बढ़ा रही है, गेम डाल रही है, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मेरी तो एक बैट से अभी पेट भरा नहीं है, तो मैं यहाँ पर दूसरा बैट भी लूँगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ से सारा सॉस यहाँ पर टपक रहा है, सॉस यहाँ से गिर रहा है, और इस बर्गर में भाई 80% गेम तो सॉस का है, 20% गेम इसमें जिंगर का है, और मन तो बंद ही होता है। हम एक और यहाँ पे वाइट लेंगे, अब फिर दोबारा बताऊंगा। सर जी आई डोंट नो वर्ड्स, मैं बस इतना ही कहूँगा लाजवाब, बहुत ज़बरदस्त जिंगर बर्गर। अच्छा जिंगर बर्गर की खासियत होती है कि जिंगर बर्गर ड्राई नहीं होना चाहिए, आप लोगों ने बहुत जगहों पर जिंगर बर्गर खाया होगा वो ड्राई होता है, ये ड्राई नहीं है, ये जूसी है, ठीक है। तो अब हम वहाँ पे चलते हैं, हमारे साथ चीज़ी फ्राइज़ हैं, अब उनका रिव्यू देते हैं। अच्छा जिंगर बर्गर मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आएँ खाएँ और अब्दुल्ला भाई को भी बताएं। भाई हमारे पास यहाँ पे अब चीज़ी फ्राइज़ जिंगर बर्गर के पास आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे चीज़ी फ्राइज़ का रिव्यू देते हैं कि चीज़ी फ्राइज़ कैसे। ओह हो, ये देखा है आपने कि चीज़ किस तरीके से निकली है, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हर एक एक चीज़ का ना एक अलग से फ्लेवर है, ऊपर चिप्स हैं जिसको चिप्स ऊपर से हल्के से जो मसाला डाला हुआ है, फिर ऊपर चीज़,
और उसके नीचे मायोनीज, और उसके नीचे केचप, तो हर एक चीज़ का, हर एक लेयर का एक अलग से जाए। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे यहाँ पे इसमें चीज़ें डली हुई हैं, ऊपर आपको नज़र आएगा, ये देखें अलग अलग यहाँ पे लेवल है भाई, बहुत जगह पर चिप्स खाएँ। सदाम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये हम सदाम भाई के दोस्त के शॉप पर आए हैं, ठीक है, ये उनका फूड कार्ट है, हम यहाँ पर आए हैं स्पेशली सदाम भाई के कहने पर। सदाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके माशाल्लाह जिंगर वगैरह भी बहुत अच्छे थे और चीज़ ही फ्राइज तो है, क्या ही बात है। अब हम चलते हैं सदाम भाई का रिव्यू लेने के लिए। अब्दुल्ला भाई, ओ अब्दुल्ला भाई, आई लव यू। इतना अच्छा बर्गर है, मोहम्मद शर्जी बस रिव्यू देना है सदाम इसको भाई, बहुत मज़े के आ गए चिप्स, इसको मज़े लग गए, वीआईपी। हाँ तो भाई आज की वीडियो यहीं भी ख़त्म करते हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अब्दुल्ला भाई की यहाँ पे स्टॉल पे जो हमने यहाँ पे सिंगर बर्गर और चीज़ी चिप्स खाए आप लोगों को पसंद आए होंगे, और आप भी इंशाल्लाह यहाँ पे आके ट्राई करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अल्लाह हाफिज़। होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, आप मेरे व्हाट्सएप पे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0303-361-8778। अगर आप अपना एरिया बताएंगे, अगर मेरी रेंज में आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगा। लोकेशन मेरी है सर बंसरोड गली नंबर 1, जिना मस्जिद का जो मेन गेट है उसके बिल्कुल सामने, आसान एड्रेस है पूरे बंसरोड का, आप जिना मस्जिद किससे ही पूछ लेंगे आपको पता चल जाएगा। फूड कार्ट का नाम है मेरे AA फूड्स फॉर यू, नाम भी ऐसा रखा है कि आपके लिए फूड प्रोवाइड कर रहे हैं।